सो ऑल राइट दोस्तों, आज के दिन हम लोग खेल रहे रोब्लॉक्स और आज के इस रोब्लॉक्स वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं चूज द राइट स्लाइड। मतलब इसमें मुझे जो है राइट स्लाइड तो जो चूज करना है उसमें से जो है कोई भी स्लाइड्स आपका एक गलत हो सकता है और एक जो है सही हो सकता है। और ये हमारा जो है बाथरूम्स में भी होने वाला है, मतलब हम लोग इसमें बाथरूम में रहेंगे और इसमें हम लोग जो है उसे ढूंढते बाद में उस तो चूज करना आप सामने ही देख पाओगे। तो सामने दे दो टैको बेल लिखा है और चीप पोर्टलेट लिखा है, पता नहीं वो क्या लिखा है, आप कमेंट में बताना क्या लिखा है, बट यहाँ पे टैको बेल मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे चलो जल्दी से करते हैं वीडियो स्टार्ट। अपने वीडियो तो अपने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल तो अपने वीडियो तो सब्सक्राइब नहीं कर देता है तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो यहाँ पे लिखा है पहले योर फर्स्ट चॉइस योर वोट, मतलब मुझे यहाँ पे जो है चॉइस करना है चूज करना है और यहाँ पे भी बहुत जन जो है चूज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक भाई ने अभी टैको बेल तो चूज किया और मैं भी टैको बेल तो चूज करना चाहती थी, इसके बारे में मुझे नहीं पता, टैको बेल का नाम सुना हुआ हूँ। तो इसी में जो है चलते हैं और देखते हैं कि राइट होता है कि रॉन्ग। ठीक है तो ऑल राइट भाई साहब, 5 लाख से भी ज़्यादा लोद, 5 लाख है ना थी, 5 मिलियन है, पता नहीं कितना है, उतने ज़्यादा लोद ने इसे जो है चूज किया और 2 मिलियन लोद ने उसे चूज किया, 2 मिलियन था। ठीक है वो, और यहाँ पे दूसरा मतलब ये पूरा बाथरूम है, देखो यहाँ पे एरो बना है, मतलब इससे पीछे भी कुछ है क्या, ओ नहीं है कुछ, मतलब ये बाथरूम जैसे ये देख लो, यहाँ पूरा बाथरूम जैसे पूरा थीम बना के रखा गया है। और यहाँ पे और भी प्लेयर्स आ रहे खेलने के लिए, ठीक है, और ये लोग भी जो है उधर ही पे जा रहे, बट उधर पे कुछ है नहीं। ठीक है तो यहाँ पे कैमरा वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लान ब्लैक क्या है, वेट अ सेकंड, ओ ओ अरे यार मर गया, मतलब ये ब्लैक कलर एसिड है, मुझे मतलब यहाँ पे मुझे जो पार्कोर करते जाना पड़ेगा, वेट अ सेकंड। ऑल राइट भाई साहब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, विच वुड बी बेटर, यहाँ पे मुझे पूछा गया क्या चीज़ आपके लिए बेटर उधर, रेनिन मार्शमेलोस और रेनिन ये मुझे मार्शमेलो बिल्कुल नहीं पता, मतलब पसंद चीज़ है, इसमें चलते हैं। तो ये कुछ हमारा जो है दूसरा चीज़ है, मतलब मीठा रहता है चॉकलेट टाइप। नो वन आउट, ऑल राइट, यहाँ पे पार्कोर आ चुका है, मतलब मुझे यहाँ पे पार्कोर भी करना पड़ेगा क्या, ठीक है, यहाँ पे जो है पार्कोर करते हैं, बट पार्कोर में मैं जो बहुत बुरा हूँ, आराम से भाई साहब। ऑल राइट भाई, एक बार में पार कर दिया, मैंने सोचा पार्कोर में बुरा हूँ बट अच्छा ही हूँ, उतना भी बुरा नहीं हूँ। तो यहाँ पे एरो बना हुआ है, ऑल राइट, यहाँ पे हमारा आ चुका है एक और हमारा चूज करने का जगह, यहाँ पे मुझे एक वेयरिंग वेट जीन्स ऑल डे, मुझे एक भीजा हुआ जीन्स हमेशा पूरा दिन भर पहनना पड़ेगा, या फिर एक जो है स्वेटर। तो मुझे देखो गीला नीचे, गीला बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपना स्वेटर में, क्योंकि स्वेटर ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो आ जाते अपने स्वेटर में भाई साहब, ओ भाई मैं इतना सारा राइट वैसे तो ले रहा हूँ, मुझे तो एक कमेंट में बताया था, मतलब जिसमें जा रहा हूँ राइट ही हो रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे भाई सवाल है, मैंने एसिड दे था तो यहाँ पे ये वाला एसिड तो भी मुझे अब पार करते जाना है, तो ये तो इजीली पार कर दूंगा, एसिड है तो हो गया पार भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे योर फर्स्ट चॉइस योर वोट जो वहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे सीढ़ी है, लैडर है, सॉरी मतलब सीढ़ी और लैडर, हिंदी में सीढ़ी और इंग्लिश में लैडर, ठीक है। तो आ जाते हैं इसमें और यहाँ पे भाई ये बहुत ज़्यादा इजी है, पता है मुझे स्पाइडरमैन ज़्यादा पसंद है, मैं क्या करूँ, सबका अपना अपना चॉइस होता है, कोई कमेंट में कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो मुझे स्पाइडरमैन पसंद है भाई साहब, स्पाइडरमैन तो बहुत ज़्यादा वोट मिला है और मैंने फिर राइट किया, मतलब मैं इतना ज़्यादा राइट कर रहा हूँ और मुझे कोई नहीं बोलेगा कि पहले से खेला हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी खेल रहा हूँ फर्स्ट टाइम, मज़ा आ रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब मैंने वापस से राइट उतर लिया, पीछे में रूम जा रहा है, पहले उसके अंदर देख लेते क्या है उस रूम में, कुछ नहीं मतलब बंद है। तो यहाँ पे पैनकेक और वफल, तो वफल में चलते हैं, क्योंकि पैनकेक तो नहीं पता, वफल मतलब मीठा ही होता है, मैंने खाया हुआ हूँ, तो यहाँ पे वफल्स में आ जाते हैं, ठीक है। ओ ओ ओ वेट, यहाँ पे हमारा पहला गलती हो चुका है और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ओ आधे में पॉपी प्ले टाइम मतलब हरी वरी है और वेट अ सेकंड, ओ भाई साहब हरी वरी सामने से यार मारते चल गया, नेक्स्ट लेवल, कोई बात नहीं, वेट सेकंड, ठीक। तो यहाँ पे मुझे वापस से जो जाते अपना दूसरा जो है चूज करना पड़ेगा पैनकेक, मतलब ज़्यादा जन पैनकेक चूज किया है। ऑल राइट तो पैनकेक तो ज़्यादा जल्दी चूज कर लेते हैं, यार जल्दी आ जाओ ऊपर, चलो जल्दी से चलते हैं। ऑल राइट भाई साहब पैनकेक तो बहुत ज़्यादा वोट मिला है, तो मतलब पहला गलती हुआ कोई बात नहीं, तो गलती होता है और राइट भी बहुत सारा हुआ है मेरा, ठीक है। तो वही कुछ नहीं बोलेगा, मतलब कमेंट में आप जो जो बोलना है बोल दो, उससे रीच बढ़ जाएगा यार, बोलो आप लोगों जो बोलना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो मुझे यहाँ पे वापस से जंप करना है, ओ सही से जंप नहीं कर पाया, आराम से मुझे जो है जंप करना पड़ेगा। ऑल राइट भाई साहब मुझे लगा इस बार नहीं होगा, बट ये तो आने पता नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं विच वेदर इज बेटर, तो अभी देखो चल रहा है गर्मी का टाइम, मतलब गर्मी भी चल रहा है और बारिश भी हो रहा है, मतलब बट ज़्यादा मुझे गर्मी लग रहा है, क्योंकि अभी भी गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो गर्मी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लिटरली नहीं पसंद, बट यहाँ पे कोल्ड है और कोल्ड में क्या रहता है ना, 2-3 कपड़ा ज़्यादा पहन लो, ठंडा है बट अच्छा रहता है कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से कोल्ड में चलते हैं और देखते हैं राइट होता है कि रॉन्ग। भाई देखो
सबका अपना चॉइस होता है। इसमें तो सिमिलर ही है, हॉट में भी ज्यादा पड़ा है, कोल्ड में भी ज्यादा पड़ा है। यहाँ पे तो नीचे ब्लैक है, वेट 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 वेट, यहाँ पे मुझे जो जंप करना है। ऑल राइट भाई, पीछे से कोई आया ना, वेट। ऑल राइट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे वापस से चूज करना है विच इज स्केरी, क्या चीज में आपको स्केरी है, स्पाइडर ज्यादा स्केरी है या फिर स्नेक। सो देखो, मुझे नहीं लगता स्पाइडर ज्यादा स्केरी है, क्योंकि ये लोग में भी स्पाइडर में पता नहीं क्यों स्पाइडर से कौन डरेगा यार। स्नेक में चलते हैं, देखते हैं स्नेक में क्या रहता है। स्नेक से ज्यादा सब लोग डरते हैं। वेट अ सेकेंड, ये कैसे गलत हो सकता है यार, वो ये कौन है, वो भाई पीजी, इस समय नाम भूल जा रहा हूँ, अब तक नहीं बताओ क्या नाम है। वेट, मारते चल जाए यार। वेट ऐसा, ये सब बहुत ज़्यादा कूल बना है तो मारने का सिस्टम, बट मैं मर गया मतलब। बट स्पाइडर से कौन डरता है यार, स्पाइडर तो हमारे घर में ऐसे भी बहुत ज़्यादा रहता है इंडिया में, पता नहीं ये फॉरेन का बना होता शायद से। तो स्पाइडर मैप चलते कि जाए, दूसरा स्पाइडर है जो बड़ा स्पाइडर रहता है ना, उससे डरने का बात है भाई साहब। इतना ज़्यादा वोट स्पाइडर ऐसे कोई दे सकता है, पता नहीं। तो यहाँ पे एरो है, और यहाँ पे ये कोई बैठा हुआ है, प्लेयर ही है शायद से। यहाँ पे एरो के तरफ चलते हैं, बट एरो पे ऑलराइट ऑलराइट एरो ही में आना था, ठीक है। विच वुड यू प्रेफर, तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिला है, मैं हैव अ पर्सनल सेफ या फिर हैव अ पर्सनल मेड। तो देखो, मेड वाला काम मतलब क्या होता है, झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत, वो मैं भी कर सकता हूँ, बट सेफ मतलब खाना पीना तो अच्छा होना चाहिए। चलो सेफ में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और राइट, ओ भाई साहब इतना सारा राइट, मतलब अभी तक मुझे शायद दो ही रॉन्ग हुआ है। अब कमेंट में बताओ मेरा जो कितना अभी तक रॉन्ग हुआ है, क्योंकि आई थिंक मुझे मेरा सारी दो ही रॉन्ग हुआ है, ठीक है। तो अब वापस से चलते हैं आते, और ऊपर में कुछ विंडोज वगैरह पता नहीं क्या चीज़ लिए, बट मज़ा आ रहा है भाई साहब चलने में। आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ, अगर आ रहा है तो भी वो भी कमेंट में बताओ, ठीक है, और लाइक करो। तो यहाँ पे आ जाती है भाई साहब, यहाँ पे मैंने इससे पार भी कर दिया बात करते करते, ठीक है। तो यहाँ पे डोर है, ऑल राइट, डोर से ओपन होते अंदर तो आ गया हूँ, और ये भाई बंद हो जाता है, नहीं बंद नहीं, वो चलो अच्छा बात है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इधर पे तो धड्डा है, धड्डा से अंदर जाना है क्या मुझे, वेट आ सकें ज़्यादा, देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, यहीं पर आना था, ठीक है। तो यहाँ पर मार्बल और डीसी, भाई ये इतना ईजी सवाल है, आप बताओ आप करने में आप क्या चूज़ करते हैं। बट आप भी मेरे साथ जो है कमेंट में खेलते जाओ, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, कमेंट में बताओ, आप भी बताते रहो आप क्या क्या चूज़ करते हैं मेरे चूज़ करने से पहले, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अभी मार्बल्स से अंदर, ठीक है भाई, ऑब्वियस आंसर है भाई, सबको मार्बल्स पसंद आएगा। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है मार्बल्स को, लिटरली, ठीक है। तो यहाँ पे एरो है, इस एरो को फॉलो करते इधर पे, और यहाँ पे वापस से मुझे पार्कोर करना है यार। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे पार पर चल लेते हैं चटाक से एकदम जल्दी से, देखते होता है कि नहीं होता है पार। ऑल राइट भाई, एक बार में पार दिया, मुझे नहीं पता था मैं पार रोड का इतना बड़ा प्रो हूँ। आप तो पार रोड का भी वीडियो देखना है क्या, मुझे कमेंट में बताना जरूर से, मुझे नहीं पता पार रोड में तब से इतना बड़ा प्रो हो गया हूँ। तो यहाँ पे विच वुड बी बेटर फॉर यू, मतलब मैंने फॉर यू अपने से लाया, ठीक है, आधे में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो टाइम मशीन है और टेलीपोर्टेशन मशीन, तो देखो टेलीपोर्टेशन मशीन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम लोग ट्रेन वगैरह एरोप्लेन वगैरह से कहीं भी जा सकते हैं अभी भी। और यहाँ पे टाइम मशीन अभी तक शायद इन्वेंट नहीं हुआ, शायद क्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मशीन तो मैं चूज़ करने वाला हूँ, और अदर जिसने ये चूज़ नहीं किया होगा वो पता नहीं कौन सा दिमाग से खेलता है यार, ये कैसे हो सकता है भाई। टाइम मशीन किसी तो क्यों नहीं चाहिए। वेट अ सेकंड, यहाँ पे स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट था ये भाई साहब, जिसने भी भाई बनाया है ओपी ओपी नेक्स्ट लेवल भाई, मज़ा आ रहा है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से पार्ट तोड़ना पड़ेगा क्या। वेट अ सेकंड भाई, अभी पार्ट तोड़ हो जाना, मुझे लगता है अभी पार्ट तोड़ नहीं होता, बट ठीक है। बट यहाँ पे इस तो कौन चूज़ करता है यार, अभी भी तो सब जा ही सकते इधर से उधर, बट ठीक है टेलीपोर्ट होते जल्दी पहुँच पाएगा। यहाँ पे भी देखो नेक्स्ट लेवल तक तो ब्रिज बना हुआ है, तो इस ब्रिज तो एक बार में आराम से पार। ऑल राइट, यहाँ पे हमारा साथ तो ही प्लेयर जा रहा है, ठीक है। तो विच वुड यू रेदर बी, स्मार्टेस्ट बनना है इन द वर्ल्ड की रिचेस्ट बनना है। देखो अगर स्मार्ट बना तो रिच भी बन सकता हूँ, कोई भी काम वगैरह करते अच्छा बिजनेस बना लूँगा स्मार्ट बन जाए तो, ठीक है स्मार्ट में चलते हैं। और जैसा तो मैंने सोचा सब लोग यही चूज़ किए हैं, तो बहुत सारा मैंने राइट किया, बहुत सारा रॉन भी किया, बहुत सारा नहीं बहुत कम ही रॉन किया। आप बताते रहना कितना, आप भी मेरे साथ जो खेलते रहो यार कमेंट में, मैं आपको जो बोल रहा हूँ करते रहो, आपको तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पे तो लेज़र वाला बीम्स आ गया, तो मुझे से जो पार करना था, मैं से जो टच किया तो शायद मैं मर जाऊँगा, शायद कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ऑल राइट भाई, भाई बहुत ईजी है इसमें पार वगैरह मतलब ये सब जो चीज़ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ऑल राइट यहाँ पे अब क्या है, बेटर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो टेक्सिन या फिर फोन कॉल। तो देखो आई थिंक टेक्सिन मैं बात करना प्रेफर
जिससे मुझे बात करने का मन नहीं है उसी का रूम रहा, बट फ़ोन कॉल में जिससे मुझे बात करने का मन है उसे मैं फ़ोन कॉल में बात करता हूँ, जैसे बेस्ट फ्रेंड वगैरह लोग। तो यहाँ पे चलते हैं फ़ोन कॉल में, ठीक है? तो फ़ोन कॉल में ऑल राइट, जैसे बहुत जने फ़ोन कॉल चूज़ किया है क्योंकि अच्छे लोग के साथ फ़ोन कॉल में, और जिसे बात करने का मन नहीं उसे जो टेक्स्ट में बात करते खत्म कर दो। मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग, मुझे इन दोनों में से जो चूज़ करना है। तो देखो बर्गर किंग का आई थिंक ज़्यादा नाम नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स ही है, इसलिए मैकडॉनल्ड्स ही देते चूज़ करते क्या होता है। मतलब मैं बर्गर किंग तो कम नहीं बोल रहा हूँ, बर्गर किंग भी अच्छा है, बट ठीक है तो मैकडॉनल्ड्स इतना वोट पड़ा इसलिए मैं बोल रहा था मैकडॉनल्ड्स, बट मेरे इतना ज़्यादा राइट कैसे हो रहे हैं? वेट अ सेकेंड, ठीक है अब आगे चलते हैं। वेट, सामने कुछ अलग चीज़ आया है और यहाँ पे पार्कोर आया है, और ये भाई सब कितना नीचे तक जाता है, बहुत नीचे जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे जो पार्कोर रहते हुए जाना है इजी पीजी, ठीक है इजी पीजी मैं बोल रहा हूँ, बट देखते होता है कि नहीं इजी पीजली। तो एक बार में जो करने का ट्राई करते हैं, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आ जाते हैं। ओह अभी गिर जाता नीचे, वेट, ओह मुझे लगती मैं भी नीचे गया। वेट अ सेकेंड, ऑल राइट भाई साहब एक बार में पार। इसी बात में आप लोग लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया मैं एक और क्वेश्चन, विच वुड यू रेदर बी, ओल्डेस्ट सिबलिंग और यंगेस्ट सिबलिंग, मतलब मुझे क्या बनना है? तो देखो मैं जो है ओल्डेस्ट सिबलिंग तो नहीं हूँ, अभी मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो मैं अब बड़ा बन के देखना चाहूँगा क्या होता है बड़ा में। वेट, ये क्या हुआ? मतलब इसमें किसी भी बड़ा नहीं बनना है, मैं सोचा बड़ा बनूँ, बट यहाँ पे आ गया हमारा स्क्विड गेम का एक पजल। मतलब भाई साहब मैं इतना स्लो हो गया हूँ, और यहाँ पे ग्लासेस आ रहे, क्या रे मैं मर गया भाई साहब, बहुत ज़्यादा क्रेजी बनाया है जिसने भी बनाया, मज़ा आ रहा है। बट अब यहाँ पे मुझे वापस से जो पार्ट रोड करना पड़ेगा, वेट अच्छा जल्दी से पार्ट रोड जाते हैं। ऑल राइट यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे यंगेस्ट में चलते, पहले मैंने ओल्डेस्ट चूज़ किया था, ओल्डेस्ट राउंड दिया था, यहाँ पे यंगेस्ट में आ जाते हैं। भाई साहब बहुत ने यंगेस्ट, बहुत ने ओल्डेस्ट भी किया है, बट ठीक है चलो अब यहाँ पे देखते हैं एग्जिट, मतलब हमारे यहाँ पे साइड से खत्म हो चुका है। ऑल राइट यहाँ पे आ जाते हैं, वेट अच्छा सामने और भी पजल है, बट यहाँ पे आई थी हमारे जो बाथरूम वाला जो पजल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बट आप बताओ कमेंट में कि आप तो इससे आगे वाला भी चूज़ द स्लाइड वाला देखना है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि ये था हमारा दो वाला और अब आ गए हैं आधे तीन वाले, ठीक है? तो यहाँ पे F12 मान में स्टेयर लॉक पॉज और ब्रेक, तो इसमें से कौन सा राइट होता है आप इसी कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसके आगे आई थिंक मैं दूसरा पार्ट में कम्प्लीट करूँगा। सो ऑलरेडी सो आज से वीडियो में इतना ही, आई होप जो वीडियो जरूर से अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो तो जो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नया आए हो तो चैनल तो जरूर से जो है सब्सक्राइब कर देना, जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा ना, देखो इसी तरह से जो पॉज एंड ब्रेक वाला जो है ना रेड, उसी तरह से आप रेड कलर का बटन में नीचे दिख रहा होगा, तो उसको जरूर से जो है दबा देना, ठीक है? तो चलो दोस्तों आज से वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।